हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेई और आप मेरे साथ सीख रहे हैं गाइस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके हैं गाइस। और गाइस डिस्क्रिप्शन में आप जो है टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक जो है क्लिक करना मत भूलें गाइस, क्योंकि अगर आप जो है उस ग्रुप के अंदर कोई भी अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है एंड आई थिंक कि वो क्वेश्चन रिलेवेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई, तो हम ज़रूर उस क्वेश्चन के सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैंने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्कस किया जे एडवांस 2013 का, तो इसी तरीके से आपके भी प्रॉब्लम का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से। हाँ, एक बात मत भूलिएगा गाइस, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हमारा है कि कॉन्स्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम टू जी बाई टू इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक M1। ठीक है, ये ब्लॉक हमारा M1 है, इसमें ये फोर्स F यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, इसको F1 कर देता हूँ मैं। इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास F1 एज सोन इन द गिवन फिगर, द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट एंड द सर्फेस ऑफ द टेबल इज स्मूथ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1। तो एक्सेलरेशन ऑफ M1, तो सबसे पहले आप कंस्ट्रेंट यहाँ पर देखो कि ये दोनों ब्लॉक जो कि M1 और M2 हैं, ये दोनों ब्लॉक जो है एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। तो जितना अगर मैं मान लो इसको x मूवमेंट कराता हूँ तो M2 भी x जाएगा, तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी एंड गाइस एक्सीलरेशन भी दोनों का सेम रहेगा। तो अब आप जिधर फोर्स है उधर ही एक्सीलरेशन होगा, तो मैं इसको a मान लेता हूँ, तो ऊपर वाले का भी एक्सीलरेशन उतना ही होगा। अब किसी भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो यहाँ पर मुझे वर्टिकल मोशन के बारे में तो कुछ केयर करनी नहीं, ना ही फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, इसलिए केवल मुझे क्या करना है, इधर आपका फोर्स लग रहा है F1 और इधर आपका लग रहा है टेंशन। अब इधर मैं एक्सेलरेशन भी लिख लेता हूँ। और हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इस तरीके की इक्वेशंस को लिखते हैं गाइस, तो यू मेक श्योर गाइस, ठीक है, यू मेक श्योर कि जो है आप जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को ले रहे हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी जो है ऊपर ही की तरफ जाए, अगर ए नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब कि हम नीचे की तरफ इसको ले लेंगे। ठीक है, हम एक ऐसे ही, अब क्योंकि ए इधर हो रहा है तो हमने पॉजिटिव लिया F1 को और यहाँ पे माइनस टी और मास इसका क्या था M1A, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है गाइज, दैट इज़ F1 माइनस टी इज इक्वल टू M1A। अच्छा, मैं इसे F ही लिख देता हूँ, F माइनस, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन हम दूसरे फ्री बॉडी डायग्राम से बनाएंगे गाइस। इसमें अगर हम लोग देखें तो ऊपर टेंशन T लग रहा है और नीचे यहाँ पर M2G लग रहा है और यहाँ पे एक्सिलरेशन जो है वो A है। तो आप देख सकते हो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ठीक है, तो A चाहिए हमको, तो T हम यहाँ से निकाल लेंगे गाइस, विच इज M2 इंटू जी प्लस ए, ये हमारा टी है। अब इसको हम अगर वहाँ रख दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ माइनस एम टू जी माइनस एम टू ए इज इक्वल टू एम वन ए। अब यहाँ क्या करना हमें, सॉरी गाइस, एफ यहाँ पर क्या है, एम टू जी बाई टू माइनस एम टू जी माइनस एम टू ए। तो यहाँ पर कुछ खास दिख रहा है हमको कि ए शायद हमारा गलत हम लोगों ने अज्यूम किया है। ठीक है, लेकिन दैट इज़ फाइन, क्योंकि इससे हमें समझ में आ रहा है कि हाँ मैथ्स कितनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस एम टू जी बाई टू। ठीक है, और ये हमारे को एक तरफ करना पड़ेगा, दैट इज़ एम वन प्लस एम टू टाइम्स ए। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से ए निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम ए को नेगेटिव देख रहे हैं तो हम अपने साइन को यहाँ पर चेंज कर देंगे और ए को अब हम ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, बेसिकली यानी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही बॉडी, और ए की जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइस, इसी जगह पे लिख देता हूँ, अब ध्यान रखना। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही, एम टू जी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तो ये हमारा जो है सोल्यूशन यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्लियर है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कैसे आया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, बहुत प्यारा फिगर तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश की, बहुत टाइम लग रहा था मुझे इस तरीके के बनाने में, ठीक है, तो मैंने कहा रैदर देन वेस्टिंग टाइम इन एस्थेटिक्स लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ना। तो M1 जो है हमारा 5 kg एंड M2 जो है हमारा वो 2 kg है गाइस, ठीक है। अब F यहाँ पर 1 newton लग रहा है लेकिन दोनों में लग रहा है गाइस। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ M1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट F कंटिन्यूज टू एक्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं गाइस। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, वही फ्री बॉडी डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जिसका मास ज़्यादा है हम उसकी तरफ एक्सेलरेशन को कर लेते हैं गाइस। तो हमने इधर की तरफ एक्सेलरेशन कर लिया और इधर की तरफ भी हमने एक्सेलरेशन को कर लिया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला पार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज़ एक्सेलरेशन। अब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा तो उसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हम वही यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ लगाने वाले हैं, इसमें पहला वाला ब्लॉक ले रहे हैं हम लोग M1 का। तो देखो आप क्या फोर्स लग रहा है, एक F लग रहा है और एक M1G, ठीक है। और ऊपर क्या लग रहा है गाइस, टेंशन, और नीचे क्या हमारा एक्सेलरेशन A है। तो F प्लस M1G माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, ठीक है। तो F प्लस एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, ठीक है। पहली इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली है। अब यहाँ पर आप चाहो तो वैल्यू वगैरह रख दो गाइस। F 1 newton था तो ये 1 लिख दिया हम लोगों ने। M1 हमारा था 5 g रख दिया यहाँ पर हम लोगों ने, और t के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे। और M1 हमारा था 5 a आ गया, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है, इसमें भी F नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, MG नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन इस बार ये M2G है, लेकिन अब की बार ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो T माइनस M2G माइनस F इज इक्वल टू एम टू ए, समझ में आ रहा है। अभी मैंने बताया जिधर की तरफ एक्सेलरेशन हो उधर की तरफ जो फोर्स होती है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो t को तो एज इट इज रखेंगे और m2 की वैल्यू है 2, तो 2g, और f हमारा बेचारा माइनस 1 है एंड m2 की वैल्यू है 2a। अभी हमारी पहली इक्वेशन है गाइस और सेकेंड है। तो बच्चा बच्चा बोलेगा यहाँ पर कि अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा हमको मिलने वाला है। एक तो 1 से 1 उड़ेगा, 5G से 2G में 3G आ जाएंगे हम लोग, और T से T ख़त्म खेल इसका, और यहाँ पर आया 7A। तो यानी कि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि A की वैल्यू तो 3G/7 है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि A की वैल्यू तो 3G/7 है, जो कि आप निकाल लो आई थिंक कुछ तो 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आती है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, आप इसको कैंसिल वगैरह करके कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दूसरा है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एफ वन एम वन इफ द स्प्रिंग ब्रेक्स बट एफ कंटिन्यूज टू एक्ट, ठीक है। तो यानी कि हमारा ब्लॉक है, अब स्प्रिंग ब्रेक हो गया यानी कि टेंशन नहीं लग रहा गाइस इसमें, तो इसमें एक तो F लग रहा है और दूसरा M2G लग रहा है। ये यहाँ पर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पर लग रहा है गाइस, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, बेसिकली यही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास लिखने को क्या बचा है यहाँ पर, M1 था कि M2 था, ये M1 था गाइस, सॉरी दिस वॉज M1 ऐसा लगा मुझे। तो F प्लस M1G लग रहा था गाइस, तो यही केवल फोर्स लग रही है तो हम इसको लिख सकते हैं M1A। तो अब हमें बस ये पता करना है, एक्चुअल में पूछा क्या इन्होंने कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ M1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट F कंटिन्यूज टू ए। तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लगेगा, तो यानी जो एक्सेलरेशन इस समय रहेगा गाइस, तो पहले का एक्सेलरेशन आपने देखा, अब का एक्सेलरेशन जो होगा वो ये होगा, यानी M1 से डिवाइड कर लो तो बेसिकली आपके पास आएगा F बाई M1 प्लस जी, यानी जी से थोड़ा ज़्यादा पहले, ठीक है। अब F बाई M1, F कितना था भाई, 1 था और M था लाइक 5 और G है
तो यानी कि जी प्लस कितना हुआ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर 10 ले लो तो 10.2, 9.8 ले लो तो 9.8 ही ले लेते हम लोग, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो बेसिक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इट वाज नॉट टफ। ठीक है, तो आई थिंक कि आपने क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए गाइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि थोड़ा सा गाइस बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में अगर देखें हम लोग तो क्या क्या दिया गाइस, एक तो तीन ब्लॉक का सिस्टम है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस तरीके कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मास वन जो है वो 1 kg का है, मास टू जो है वो 2 kg का है, मास थ्री जो है वो 3 kg का। फिगर आपके सामने, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 एंड m3। द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज 20 cm। ठीक है, ये 20 cm है। When the system is released from rest, how long will it take before M1 strikes the pulley? ठीक है, तो इसमें हमें acceleration चाहिए होगा। तो सबसे interesting बात यहाँ की ये है guys, कि constraint motion का question है। अब मान लो ये, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो ये X1 हमने इसको ऊपर भेज दिया, इस pulley को कितना ऊपर भेजा guys, X1। तो आप क्या करना ना, आप basically सोचना कि ये मान लो अभी कोई मोमेंट यहाँ नहीं हो रहा है गाइस, ऐसा मानते हुए ही आप देखोगे कि ये पुली हमारी यहाँ तक आ गई, ये हमारी बेस रीज़न था गाइस, यहाँ से आप ध्यान देना। तो इतना हमारा जो है पुली नीचे आ गई, और फिर क्या होगा गाइस, ये M2 और M3 में भी अलग अलग एक्सेलरेशन होगा क्योंकि इनके मासेस अलग हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान देना यहाँ पर, तो कितनी स्ट्रिंग यहाँ पर रिलीज हुई ये देखो आप, तो ये थोड़ा नेट तो नीचे ही जाने वाला गाइस। मान लो ये X2 गया और ये मान लो जहाँ पे पहले था यहाँ था जैसे, तो ये गया X3 गया। ठीक है, ओवरऑल ये देखो ये X1 गया गाइस, और इधर भी जो है रिलीज यहाँ पर, तो ये स्ट्रिंग नेट स्ट्रिंग रिलीज कितनी हुई इतनी दूरी पे, 2X1। अब देखो ना उतनी यहाँ से गायब हुई होगी गाइस। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले गाइस, इक्वेशन दैट इज कंस्ट्रेंट रिलेशन से, कि ये 2x1 जितनी रिलीज हुई है उतनी ही ये दोनों मिलके नीचे आए हैं गाइस। तो यानी x2 प्लस x3। अब आप इनको क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा, एक बार और इनको जो है आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, 2a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाए हमें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं साफ कर दूँ इसको। ठीक है, ठीक, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर हम एक एक ब्लॉक का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे। तो FBD ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक का हम लोग FBD बना रहे हैं। तो यह मेन देखो FBD होता गाइस, तो ये क्या आया M1G और ऊपर कितना लग रहा है 2T टेंशन। अब देखना आप, इधर T टेंशन, इधर भी T टेंशन, इधर 2T, नहीं तो ये बैलेंस कैसे होगा ना, आइडियल पुली है हमारी, तो ये इसमें आपका 2T टेंशन यहाँ पर लग रहा है। तो 2T हैज़ टू बी इक्वल टू T गाइस, ठीक है, 2T हैज़ टू बी इक्वल टू T, नहीं तो 2T ये होना ही पड़ेगा इसको, जिससे कि ये T प्लस T के बराबर हो जाए, और यहाँ ऐसे T था, यहाँ पर ऐसे T था। ठीक है, यहाँ पर यानी हमारे पास 2T है। तो अब सीधा सीधा बनाओ, ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ 2T ऊपर और नीचे क्या है बोलो, M1G। अब हम लोगों ने मान लिया कि इधर की तरफ हमारा एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये A1। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिलेशन। तो क्या रिलेशन लिखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस, 2T, ध्यान दो जिधर की तरफ एक्सेलरेशन होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, 2T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1। ठीक है, तो थोड़ा सा M1A1, ठीक है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा जगह की कमी पड़ने वाली, बहुत सारी इक्वेशन यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी,
ये 20 सेंटीमीटर मैं यहाँ कर देता हूँ। तो इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन किस में लिखेंगे, इसके एफ बी डी में एम टू के, तो हम यहीं लिख सकते हैं इसका। तो हम मान रहे हैं नीचे आ रहा है गाइस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए, ये हमारी थर्ड है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, तो आप लोग नोट करते रहना गाइस, क्योंकि मैं यहीं चेंज कर दूंगा क्योंकि स्पेस बचाना है मुझको। और यहाँ पे क्या होगा, एम थ्री जी माइनस टी इज इक्वल टू, दिस इज ए टू एंड दिस इज एम थ्री ए थ्री, दिस इज फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर केवल मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो एम वन का मास वन था तो हटा दो, यहीं पर लिख देते हैं ना ये, यहाँ पर ये टू था तो यहाँ पे टू कर दिया, और ये भी टू था तो ये भी टू कर दिया हम लोगों ने, इसमें थ्री था गाइस तो ये थ्री कर दिया हम लोगों ने, थ्री जी एंड दिस इज ऑल्सो थ्री, सो दिस इज थ्री ए थ्री। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर आ गया गाइस। अब बेसिकली एक रिलेशन हमारा ए वन ए टू ए थ्री में है, और हमें यहाँ पर चाहिए कितने रिलेशन, देखो तीन रिलेशन चाहिए होंगे तभी हम लोग इसके बराबर हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2t को सबसे पहले हटाना पड़ेगा, 2t को हटाने के लिए हम लोग थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे ऐड कर देंगे। तो अब ध्यान देना, मैंने इसके साथ किया तो ये क्या आया, ये आ गया आपका इक्वेशन जो है दैट इज 3g, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3g, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने थर्ड को, ध्यान रखना, तो 4g हुआ और इससे ऐड कर दिया हमने, तो 4g माइनस g 3g हो गया, t तो कैंसिल हो गया, और याद है आपको मैंने इससे 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 4a2 प्लस a1, 4a2 प्लस a1, ये हमने फर्स्ट और सेकेंड से मिलके इक्वेशन को किया है। अब देखो हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर एक इक्वेशन तो हमारी a1 a2 में ये आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन हमारा a1 a2 में ये आ गया। अब हम हर बार क्या करेंगे, इस a1 को हटाने की कोशिश करेंगे, आप समझोगे बाद में कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6g हो जाएगा, और इसको भी 2 से करेंगे तो ये 8a2 हो जाएगा और ये 2a1 हो गया। अब इस 2a1 में हम a2 plus a3 रख देंगे तो 6 is 8a2, और देखो यहाँ पे a2 मतलब 9a2 गाइस, और ये a3 तो 9a2 plus a3, ये हमारे काम की इक्वेशन यहाँ पर बन गई है 9a2 plus a3, इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन रखूँगा, ठीक है। तो आप नोट करते रहें ऑर्डर, क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ से इक्वेशन अगर दूसरे पेज में ले जाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी गाइस, तो इसलिए मैं इनको रफ भी करता जाऊँगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस। तो यहीं पर मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज 6g इज इक्वल टू 9a2 plus a3, दिस इज़ अवर फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अब क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है, और ये सब भी अब मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, जो भी फ्री बॉडी डायग्राम बनने तो बन गए, उनको भी हटा दो यहाँ पर, और सब जितना भी कैलकुलेशन होगा हम लोग लेफ्ट में करेंगे, ठीक है। और ये भी मैं ऊपर ही लिख देता हूँ सारी इक्वेशन, जिससे एक साथ ही यहाँ पर रहे। तो थोड़ा सा कई बच्चों को दिक्कत होती है इस चीज़ में कि आप क्यों हटा देते हो, ठीक है, लेकिन क्या किया जाए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप ही नहीं समझ पाओगे, इक्वेशंस इधर से उधर हो जाएंगे। तो ऑर्डर में इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इतनी इक्वेशन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, अभी तक ऐसा हो गया। तो a2 और a3 में एक रिलेशन आया, और हम चाहेंगे कि a2 और a3 में एक और रिलेशन बन जाए हमारा। तो गाइज हम एक काम कर सकते हैं, a2 और a3 में एक डायरेक्ट रिलेशन हम लोग यहाँ से ला सकते हैं, अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से भी एक रिलेशन हम लोग a2 और a3 में ला सकते हैं। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते गाइज, तो एक काम करते हैं हम लोग, फोर्थ को इसी के साथ करते, सेकंड के साथ ही करते, तो फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे सेकंड वाले में, तो फिर से t को एलिमिनेट कर देंगे, तो फोर्थ को 2 से किया तो 6g माइनस g यानी कि 5g आ गया। कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे हम लोग 5g आ गया, t तो गायब हो गया, और ये 6a3 होके प्लस a1 था, 6a3 प्लस a1, 6a3 प्लस a1। अब देखो a1 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख देता हूँ मैं 10g,
और टेन जी इधर भी लिख देता हूँ, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमको। टू से मैं मल्टीप्लाई किया तो 12A3 और 2A1 हो गया था, तो मैं ये A2 और A3 यहाँ पे रख दूँगा, A2 प्लस A3। तो यहाँ से आप देख लो कि ये 13A3 यानी यहाँ पर हो गया 13A3 और ये हमारे पास A2, ये हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन आई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है कि इक्वेशन से A2 और A3 में हम लोगों ने एक और बना ली। अब हम बेसिकली इनको सॉल्व करेंगे गाइस। तो अब हम एक काम कर सकते हैं गाइस, 13 से पहले वाले को मल्टीप्लाई करें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग। तो 13 6 78, ध्यान रखना 13 6 78, और फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे उससे। तो 13A3, तो सबसे पहले हम लोग या एक काम करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से सिक्स को 9 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में से 6 गया तो 84G। 9 से मल्टीप्लाई किया इसको और इससे सब्ट्रैक्ट किया, देखो 9A2 9A2 कैंसिल हो जाएगा, 9 10 जा 90 6 84, ये गया। और 9 से इसको किया अगर हम लोगों ने तो 13 × 9 = 117, और तो 116 अपना A3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास A3 की वैल्यू आ रही है, जो कि इम्पॉर्टेंट है वो मैं इधर लिखूँगा सारी वैल्यूज। 84 / 116 × g, ये हमारी रिलेशन आया। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो गाइस, तो ये आएगा आपका 21g/29। बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है फिजिक्स में, जो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होने लगती है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, पर गाइस देखो, आपको जे एडवांस अगर निकालना है तो आपको इस तरीके की कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अब A3 आ गया गाइस, तो अब क्या करोगे आप, A2 निकाल लो इसी इक्वेशन से। तो अब थोड़ा सा आप इसमें A3 की वैल्यू को रख देना ये पहले वाले में, और यहाँ से A2 निकाल लेना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9A2 = 6g - A3 विच इज़ 21 g/29। अब देखो जरा इतना बड़ा कैलकुलेशन भाई, 29 × 6 में आप 21 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप करना गाइस, तो A2 जो आ रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, 17g/29। तो ये A2 है। अब मेन काम हमारा है A1 का। A1 के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ रख दे जाके, A2 को भी रख दो और A3 को भी रख दो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना वहाँ पर रख के, तो मैं अब नहीं कर रहा गाइस, तो 19g/29 ये हमारा एक्सिलरेशन है गाइस, दिस इज़ अवर एक्सिलरेशन, दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, अब ये हमने अभी एक्सिलरेशन ऑफ M1 आपने देख लिया गाइस, A1 निकाल लिया हम लोगों ने, A2 निकाल लिया, उनको मैंने ब्लॉक में ऐसे बंद कर दिया। अभी पूछ रहे हैं कितनी देर लगेगी बिफोर M1 स्ट्राइक्स द पुली। अब देखो ये रेस्ट में था गाइस, ये रेस्ट में था, तो हाफ टाइम्स A1 कितना हमारा 19g/29 × t² और कितना 20 सेंटीमीटर, मतलब होता है 0.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन जब करते हो तो आपका टाइम जो आएगा दैट इज बेसिकली 0.25 सेकेंड्स के पास आपका समय आता है। ठीक है, तो बाकी इक्वेशन बनाना इम्पॉर्टेंट काम था गाइस, उनको किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम में लिखा गया, कैसे कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाला गया, सॉल्व करना इज अ मैथमेटिकल थिंग जो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के बाद बढ़ते गाइस, एंड वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अब प्रीवियस प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि अगर सपोज M2 2 kg का हो जाए और M3 3 kg का हो जाए, तो वॉट वुड बी द मास M सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, तो मतलब A1 को जीरो होना पड़ेगा, A1 को जीरो होना पड़ेगा गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अपने M3 में यहाँ पर काम करने वाले गाइस बेसिकली, तो M1 M2 तो कह रहे 2 kg है, वो तो है ही है, तो इसमें क्या टेंशन है। ठीक है, ये तो वही है, M3 वही है, M क्या हो जाए सो दैट इट रिमेन्स एट द रेस्ट। तो हम इक्वेशन लिख लेते गाइस यहाँ पर। ठीक है, पहले M3 में लिख लेते, तो M3 में क्या होगा, M3g लगेगा, यहाँ पे टेंशन T लगेगा। अब वो रेस्ट में है, ध्यान रखो वो अगर वो रेस्ट में है गाइस तो इनका एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, है ना, ये बात तो आपको समझ में आती है। वो रेस्ट में नहीं था
जिसकी वजह से x1 का मूवमेंट हुआ तो उसके कारण दिक्कत हुई। ठीक है, तो ये अब आप यहाँ से लिखोगे m3g माइनस टी इज इक्वल टू m3a, m3g माइनस टी इज इक्वल टू m3a एंड दैट इज़ नथिंग बट 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a। ये इक्वेशन हो गई, समझ में आएगा। इस एक इक्वेशन हमने बना ली, अब एक इक्वेशन और बना लेते हैं सेकेंड वाले से, उसको भी बना लेते हैं हम लोग। सेकेंड वाले की इक्वेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, देखो सेकेंड की इक्वेशन बना लेते हैं, उसमें भी आपका टी लग रहा है और नीचे आपका m2g, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका मास कम है तो ऊपर की तरफ लिख लिया, तो इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं हम लोग t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a, है ना, t माइनस 2g क्योंकि इसका मास 2 है ना, तो ये सेकेंड इक्वेशन है गाइस। अब t को ख़त्म कर दो यहीं से, तो दोनों ऐड कर लेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो t तो गया बेचारा, तो g इज इक्वल टू 5 टाइम्स a, तो a की वैल्यू जो आई दैट इज़ g बाई 5, ठीक है, a की वैल्यू g बाई 5 आई है और मास पूछा है, टेंशन भी निकाल लेते हैं, t इज इक्वल टू 2g प्लस 2g बाई 5, है ना, 2g प्लस 2a कर दिया कि नहीं, तो उसकी जगह g को रख दिया g बाई 5, तो 5 से और मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा सा, तो 10 प्लस 12g बाई 5, तो 12g बाई 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हम अपने महान m1 जिसको पता करना है गाइस, उस पर आपके लग रहा है टेंशन 2t, है ना, वो तो आपको पता ही है, और m पता नहीं हमको, उसको हमने mg कर दिया। अब ये है रेस्ट पे, तो देखो कितना आसान हो गया गाइस, 2t इज इक्वल टू mg, तो m चाहिए था गाइस, वो तो 2t बाई जी हो गया, तो 2t कितना हो गया, इधर ऊपर रख दूँ क्या मैं, इधर लिख दूँ, m इज इक्वल टू 2t यानी कि 2 इंटू 12g बाई 5, ये हमारा 2t की वैल्यू है, और यहाँ पर एक g भी है, g कैंसिल हो गया एंड 24/5, दिस इज़ योर आंसर। 24/5 का मतलब होता है 4.8 kg, तो ये हमारा इधर का कैलकुलेशन है गाइस। ठीक है, तो ये है फाइनल आंसर हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, दैट इज़ कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एज सोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सर्फेसिज आर फ्रिक्शनलेस। तो काफ़ी आसान है गाइस, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि नीचे की तरफ जो है मोशन हो रहा है इसमें, तो टेंशन तो लग ही रहा है और m1g मतलब g लग रहा है यहाँ पर, और एक्सीलरेशन इधर a है, इधर भी वही टेंशन लगेगा गाइस। ठीक है, और एक ही फोर्स लग रही है इसमें, उसी की वजह से ये मूव कर रहा है बस, दैट्स इट। तो बड़े सिंपल इक्वेशंस यहाँ पर लिखनी है, तो पहली जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं दैट इज़ g माइनस टी इज इक्वल टू a, है ना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज़ g माइनस टी इज इक्वल टू a, क्योंकि मास केवल हमारा इसका 1 kg है। ठीक है, यही दिया शायद। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो भी अपना एक ही मास का है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू m1a, m की जगह 1 रख दिया, डायरेक्ट रखा करो गाइस, तो g माइनस a इज इक्वल टू a। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, a की वैल्यू यानी 2a बराबर g, तो a इज इक्वल टू g बाई दिस, तो t तो अपना a था, तो a की जगह हो गया g बाई 2, तो अब हमारा आंसर आ गया 10/2, क्योंकि 10 लिखा हुआ था यहाँ पर, 10/2 इज इक्वल टू 5 newton, दिस इज़ अवर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था गाइज, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, तो आई होप, तो गाइज एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कैसे यहाँ पर वीडियोस किस तरीके से आते गाइज, देखिए जिस भी वीडियो का पहले 100 views पूरा होता है हम लोग उसको लेकर आएंगे, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो लास्ट वीडियो है उसका मोर देन 400 views था, तो इसलिए ये बना है। अब मैंने देखा कि इस समय जो सेंटर ऑफ मास है उसका 100 पूरा हो गया है, तो अब थोड़े दिन में अगर आप परमानेंट मैग्नेट को भी कर दोगे तो उसका आ जाएगा, तो आप जिस भी चैप्टर का चाहते हो तो आपको फोकस करना है गाइस, कि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि वो जो है प्रायोरिटी में रहे, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करें व्यूज़।
तो वैसे वैसे आप बहुत सारे चैप्टर हमको करने गाइस। तो हम सेंटर ऑफ मास पे इस समय वर्क कर रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी पे कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट पे कर रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कई बच्चे कह रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर, तो सभी होंगे गाइस। तो डोंट वरी, एक में इसलिए हम लोग स्टक भी नहीं हो रहे हैं। आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस एवरीवेयर से देखेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। आप लगातार सारे लेक्चर्स को देखते रहें गाइस। एंड गाइस प्लीज़ 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 आई विल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है शेयर जरूर करें गाइस और लाइक जरूर करें वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।